हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइट विजिट करूंगा एक न्यू लॉन्च अफोर्डेबल की। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है और आज गुड न्यूज़ ये है कि इस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट का जो है रेरा आ चुका है। इसमें अंडर मैनेजमेंट कोटा यूनिट आपको मिल जाती है और वो भी अंडर रेटेड MQ जो प्राइस है उसके ऊपर 3 BHK की यूनिट मिल जाती है। और इसमें फैसिलिटीज क्या है, USP क्या है और कनेक्टिविटी क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, उस सारे ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की। जो कनेक्टिविटी रहेगी हमारी मेन सोहना रोड NH 248A, जो कि नेशनल हाईवे है, उस रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। मेन रोड से केवल 150 से 200 मीटर अंदर रहेगा और मेन रोड जो नेशनल हाईवे है उससे 150 से 200 मीटर अंदर तब रहेगा, तब हम 84 मीटर रोड पे चलेंगे। मेन 84 मीटर रोड पे प्रोजेक्ट लोकेटेड रहेगा। तो यहाँ पे हमारी दुकानें भी आ रही हैं और अपार्टमेंट भी आ रहे हैं। 3 BHK के अपार्टमेंट और 1 BHK के अपार्टमेंट यहाँ पे रहेंगे। और गुड़गांव का अभी तक का सबसे ज़्यादा लोअर डेंसिटी ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। एक फ्लोर पे जो है 4 ही अपार्टमेंट रहेंगे 3 BHK के। आज से पहले आपने नहीं सुना होगा, आपने ये ही सुना होगा केवल एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट, 10 अपार्टमेंट या 15 अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट रहेंगे। माईवान कंस्ट्रक्शन रहेगी, बेसमेंट में जो है पार्किंग रहेगी, बड़े पार्क रहेंगे और जो दुकानें रहेंगी जो मेन 84 मीटर का रोड है, मेन 84 मीटर जो रोड है उसको फेसिंग करेंगी। तो ये है हमारे कनेक्टिविटी और प्रोजेक्ट की डिटेल। राजीव चौक से यदि हम यहाँ पे साइट तक पहुँचते हैं, सेक्टर 35 साउथ ऑफ गुड़गांव सोहना, केवल आपको 17 से 18 मिनट लगती हैं, वो भी एक नॉन स्टॉप ड्राइविंग के साथ आप जाते हो बिना किसी रेड लाइट के। तो केवल 17 से 18 मिनट लगती हैं। तो अब प्रोजेक्ट पे दोबारा जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेन 84 मीटर रोड पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड रहेगा। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं, उसके साथ साथ में आपको 4 व्हीलर का पार्किंग का भी स्पेस दिया जा रहा है, वो भी बेसमेंट के अंदर। और गुड़गांव का सबसे लोअर डेंसिटी ये प्रोजेक्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 BHK और 1 BHK के अपार्टमेंट हैं जो यूनिट अभी हमारे पास में मैनेजमेंट कोटे के अंदर आ रही है। उनका जो साइज रहेगा 645 का कारपेट है और 150 स्क्वायर फीट के आसपास में बैल्कनी रहने वाली है। जो इसकी मैनेजमेंट कोटे की फीस है, जो मैनेजमेंट कोटे के एडिशनल चार्जेस जाते हैं, वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए हैं। और जो इसकी कॉस्ट रहेगी, एक्चुअल कॉस्ट जो रहेगी, गवर्नमेंट कॉस्ट जो रहती है 3 BHK की, वो कहीं ना कहीं 30 से 31 लाख रुपए के बीच में रहेगी। तो मोटा मोटा आप ये मान के चल सकते हैं 39 लाख रुपए के आसपास में जो है आपको 3 BHK का अपार्टमेंट और वो भी एक लग्जरी जो फैसिलिटीज होती हैं उनके साथ में आपको मिल जाता है, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ में। और सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या निकल के आ रही है, माईवान कंस्ट्रक्शन है, 84 मीटर रोड पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है, लोअर डेंसिटी है और आस पास में बहुत बड़े लेवल का रिहाइश एरिया आ जाता है। जैसे कि अपोजिट साइड में बात करता हूँ तो सेंटर पार्क की 1100 एकड़ की टाउनशिप है, जहाँ पे कि प्लॉट का रेट भी 2.25 लाख रुपए गज का आ जाता है। और उसी के साथ में गोदरेज का प्रोजेक्ट है और साथ में KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, GD गोइंद का यूनिवर्सिटी है, GD गोइंद का सिग्नेचर स्कूल है, अरावली का व्यू मिल जाते हैं और आसपास में तमाम बड़े लेवल के प्रोजेक्ट आ जाते हैं। जैसे सिल्वर ग्रेड का प्रोजेक्ट आ जाता है, आशियाना का प्रोजेक्ट आ जाता है, सिग्नेचर के प्रोजेक्ट आ जाते हैं जिसमें बहुत टाइम पहले से फैमिलियाँ रह रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान किस तरीके से रहता है, जो हमारी वाइट वैल्यू रहती है, वाइट वैल्यू का आपको 5% अमाउंट जो है जैसे आप एप्लीकेशन जो है भरते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तब देना है। सेकंड, जब आपको यूनिट अलॉट हो जाती है उस टाइम पे 20% की डेवलपर डिमांड करता है। यहाँ पे यदि आपको लोन के अंदर जाना है तो उस दौरान कंडीशन ये है, टोटल 90% लोन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि 5% अमाउंट तो आपने ऑलरेडी दे दिया, रेस्ट बचा 5%, 5% और आप अमाउंट जो है डेवलपर को दे दो। जब डेवलपर 25% की डिमांड करेगा तो 15% जो है लोन में से चला जाएगा। और उसके बाद सेकंड जो डिमांड आएगी 25% देने के बाद, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी वैसे वैसे डेवलपर आपसे डिमांड जनरेट करता रहेगा और बैंक जो है वो डिसबर्समेंट करता रहेगा। तो लोन की भी फैसिलिटी जो है यहाँ पे 90% तक जो है लोन मिल जाता है। और अंडर मैनेजमेंट कोटे की जो यूनिट है बहुत अच्छे प्राइस पे आ रही है यहाँ पे, तो इसको आप फोकस कर सकते हैं, इसमें कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अंडर रेटेड चीजें आपको मिल रही हैं। उसके बाद अफोर्डेबल की मारा मारी इतनी है आज की डेट में। यदि मैं बात करता हूँ तो अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी
सेक्टर 78 के अंदर आरोफ का जो अफोर्डेबल का सेकंड रो आया था, और सेकंड रो में 13 अपार्टमेंट थे, और 13 अपार्टमेंट के ऊपर लगभग लगभग 2200 लोगों ने अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं कितनी डिमांड है, और इस डिमांड के बीच में मैं आपके लिए एक अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। रेरा आ चुका है, किसी तरह का कोई वेट नहीं करना है मैनेजमेंट कोटे की यूनिट के लिए। उसके बाद नॉर्मल भी यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारी कम्प्लीटली डिटेल ये ही है। बाकी आप यहाँ पे यदि मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, सेम नंबर पर हमें कॉल करके वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारी कम्प्लीटली डिटेल ये ही, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो इसी के साथ वीडियो यहीं तक ही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री राम।